और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गिरिडीह पुलिस ने ताहिर अंसारी के साथ हुए लूटपाट मामले का खुलासा किया। इस मामले में जुड़े चार अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करीब 40 लाख रुपए और बोलेरो वाहन, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। के संबंध में खोरी महुआ अनुमंडल अंतर्गत घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हुई कि 40 लाख रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। इस संबंध में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उस पर अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और 40 लाख रुपए की बरामदगी जो है पुलिस के द्वारा करते हुए उसे जब्त किया गया है तथा संबंधित विभाग में पत्राचार किया जा रहा है और उनसे जाँच प्रतिवेदन की मांग की जा रही है कि ये जो 40 लाख रुपए हैं 21 मद के हैं और किस तरह के पैसे हैं और इसका उपयोग किस चीज़ में होने वाला था और इसकी पूरी जांच करने के बाद जो भी पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेन देन के संबंध में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।